नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स्ट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कपास की फसल में सफेद मक्खी के नियंत्रण और रोकथाम के बारे में। सफेद मक्खी के लक्षण कपास की फसल में गर्म और सूखे महीने में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, जिसमें पत्तियों पर पीले धब्बे, पत्तियों में विकृति और विकास रुक जाना इस कीट से होने वाले कुछ मुख्य लक्षण हैं। कपास के खेतों के किनारे ऊंची फसलों को लगाएं और 20 येलो स्टिकी ट्रैप प्रति एकड़ लगाकर इस कीट की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जेडिरेक्टिन और नीम सीड केर्नल एक्सट्रैक्ट जैसे जैविक रसायनों की मदद लेने से भी सफेद मक्खी के प्रकोप से बचा जा सकता है। और परिस्थिति बिगड़ने पर 200 ग्राम एसिटामाइप्रेट को 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करने से अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।